बैतूल में कोतवाली थाना क्षेत्र के सोना घाटी में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। संभावना जताई जा रही है कि महिला का बलात्कार के बाद गला काटकर हत्या की गई। सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि सतपुड़ा वैली स्कूल के सामने मैदान में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद टीआई कोतवाली देवकरण डेहरिया, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मृतिका का नाम 30 वर्षीय राम कली बताया जा रहा है, जो कि घरों में साफ सफाई का काम करती थी। मानसिक रूप से कमजोर भी थी। प्राथमिक तौर पर महिला का शव देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ बलात्कार के बाद शराब की बोतल से उसका गला काटकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने घटना स्थल से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं। इधर डॉग स्क्वाड ने रेलवे ब्रिज क्रॉस कर शिव मंदिर की सोसाइटी वाली पहली सीढ़ी तक पहुंचकर पुलिस को कुछ हिंट दिए हैं। टीआई की तत्परता से लग रहा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली 100 डायल के माध्यम से कि रामकली पति गणेश की उम्र करीब 30 साल है। इसकी बॉडी जो है उसके घर के सामने तक खाली मैदान पर पड़ी हुई है, और जिसकी सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और प्रथम दृष्टा महिला के गले पर घाव के निशान है। वहीं साइड पर एक बोतल भी मिली हुई है टूटी हुई। तो प्रथम दृष्टा ये तो हत्या का मामला है, तो पुलिस ने हत्या का मामला कायम करके अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विवेचना में लिया है। सर, क्या महिला के साथ दुराचार की घटना भी घटित हो रही है? और इससे ये सबसे जानकारी पीएम के बाद हमें पता चल पाएगी कि इसका घटना क्या है। इसमें अभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि इसका किसी महिला का किसी से विवाद भी हुआ था करीब 1 महीने पहले। अभी जानकारी प्राप्त हुई, उनके घर वालों को मालूम नहीं है कि वो लड़के कौन थे, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। महिला की पारिवारिक अगर दृष्टि में देखा जाए तो क्या पता चल पाया? महिला दिव्यांग है, उसके पति क्या है, कुछ पता चल पाया? महिला तो मजदूरी करती थी, इसका पति जो है मानसिक रूप से दिव्यांग है करीब 3 साल से। तो महिला ही अपने घर का पूरा खर्चा पानी, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची 10 साल की, 1 बच्चा छोटा है 5 साल का, उनका पालन पोषण बाहर मजदूरी करते हैं। तो सर क्या किया जाए, कब तक मतलब आरोपी गिरफ्तारी हो पाएगी, किसको? इसमें विवेचना में अभी पीएम के बाद रिपोर्ट लेते हैं और अन्य जो एविडेंस है उस पर लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, सबके स्टेटमेंट हो रहे हैं,